आज की वीडियो में हम रेट्रोवायरस के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो रेट्रोवायरस एक प्रकार के वायरस हैं। वायरस में जनरली क्या है, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक ही इनकी बॉडी में मिलता है। वायरस जो है सिर्फ दो चीज़ के मिलकर बने होते हैं, एक प्रोटीन का कवर होता है इनके बाहर और दूसरा इनके अंदर। जैसे ये वायरस है तो ये प्रोटीन कवर है और इसके अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, उसी को वायरस कहते हैं। लेकिन जो रेट्रोवायरस वायरस होते हैं इनके अंदर सिर्फ आरएनए मिलता है, डीएनए नहीं मिलता है, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। कोरोना का जो वायरस है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। जो एड्स है उसमें जो वायरस कर रहा है यानी एचआईवी, वो भी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। तो आगे जानते हैं कि जो होस्ट है, होस्ट का मतलब है कि वायरस जिसके बॉडी में रह रहा है, कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, तो जिसके बॉडी में रह रहा होता है वायरस, उस बॉडी को होस्ट कहते हैं। तो वायरस जब किसी बॉडी में प्रवेश करता है तो खुद के आरएनए से क्या करता है, वो डीएनए बनाने लगता है। और ये काम करता कैसे है, ये कैसे बनाता है डीएनए, तो इस काम के लिए उसका जो आरएनए मॉलिक्यूल है साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम हो है, तो इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से वो डीएनए बनाने की प्रोसेस को कर पाता है। तो जैसे बताया गया कि एचआईवी एक प्रकार का रेट्रो वायरस है।